राजा भोज और जो परमार वंश था उस परमार डायनेस्टी ने मध्य प्रदेश के धार के अंदर भोजशाला की स्थापना करी। वाग देवी, माँ सरस्वती की प्रतिमा, हजारों लाखों तरीके की किताबें, ऐसा कहते हैं कि नालंदा के टक्कर की या शायद उससे बड़ी लाइब्रेरी थी वो। 1269 AD में कमाल मौलाना नाम के एक मुस्लिम फकीर मालवा पहुंचे। धार में उन्होंने ये सारी चीजें देखी, 36 साल तक इसका अध्ययन करा और फिर ये सारी जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को पहुंचाई। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने वहां तोड़फोड़ करी। 1401 में दिलावर खान ने फिर भोजशाला में आकर लूटपाट मचाई। 1514 में महमूद शाह ने न केवल वहां पर लूटपाट मचाई बल्कि कमाल मौलाना की वहां पर एक दरगाह भी स्थापित कर दी। सालों तक ये संघर्ष चलता रहा। कुछ समय के लिए कंट्रोल हिंदू शासकों के हाथ में था लेकिन 1826 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर भोजशाला को अधिग्रहित कर लिया और वहां लगी प्रतिमा ऐसा कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन निकालकर लंदन में किसी म्यूजियम में लेकर चले गए। आजादी के बाद भी शिक्षा के मंदिर, माँ सरस्वती के मंदिर को अपनी खोई प्रतिष्ठा पर लौटाने का संघर्ष अनवरत जारी रहा। हिंदू समाज लगातार वहां पूजा भी करता रहा परंतु 1997 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वहां नमाज की अनुमति दे दी और तब से आज तक भोजशाला फिर विवाद का केंद्र बना हुआ है। इसे अगर पुनर्स्थापित करना है तो भोजशाला को अपने पुराने गौरव पर लौटना और हमारा भोजशाला को उस पुराने गौरव पर लौटाना ये नितांत आवश्यक है।